एसटीएफ की टीम के द्वारा शाहबाद अंबाला हाईवे पर मिर्ची होटल के साथ में जंगल पेड़ के नीचे एक लिफाफे में आरडीएक्स बरामद हुआ है और एक आरोपी काबू किया गया है जो तरन तारण ज़िले का रहने वाला है और ये एसटीएफ की टीम ने इनको काबू कर शाहबाद पुलिस के हवाले किया है और तफ्तीश अभी जारी है, पूछताछ कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सूचित करें। हाँ, ये एक आईईडी थी, इम्प्रोमाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है जिसमें एक पाउडर एक्सप्लोजिव है, हाई एक्सप्लोजिव है, स्विच, टाइमर, बैटरी और डेटोनेटर ये एक बॉक्स में बंद हमें मिला है और एक पॉलीथीन के लिफाफे में ये बंद था, वो हमने इसको बरामद किया। अभी तक इसका करनाल से कोई लिंक नहीं है, बट जैसे मैंने फिर से बताया कि बिना पूछताछ के बिना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े इससे ये एक अच्छी कामयाबी है और हरियाणा पुलिस द्वारा बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की गई है। इसको कहाँ से किस स्टेट से लिंक आगे पंजाब से, हरियाणा से और अन्य राज्यों से अगर कोई लिंक इस्टेब्लिश होता है तो हर जगह के आरोपियों को इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। अभी इतनी ही आपको जानकारी हम दे पाएंगे कि एक आरोपी है इसमें, इस काबू कर लिया गया है तरन तारण से लिंक। टाइमर कितने समय का टाइमर लगा हुआ था इसमें? एक टाइमर इसमें हमें बरामद ज़रूर हुआ है, इससे ज़्यादा भी। अभी ये क्या एक्सप्लोजिव पाउडर था, क्या पर्टिकुलर क्या एक्सप्लोजिव था, इसको कहना अभी संभव नहीं है। जब तक इसकी रिपोर्ट एफएसएल से हमारे पास नहीं आ जाती तो किस प्रकार का एक्सप्लोजिव था ये कहना भी संभव नहीं है। पर हाँ, प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो हमारी बीडीटीएस की टीम देखती है उसने इस चीज़ को पुष्टि करी है कि ये एक एक्सप्लोजिव ही है। पूछताछ के बिना अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी और चीज़ें खुलती रहेंगी, आपको हर चीज़ों से अपडेट करते रहें।